नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड टेक। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं आज मैं। इसमें आपका बहुत बड़ा सवाल है जो कि आप मुझसे हमेशा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर इस बार अगर हम रेलवे भर्ती के ग्रुप डी और लोको पायलट में फॉर्म अगर आवेदन करते हैं तो उसमें क्या हम हमारी जो फोटो है उसमें क्या हम हमारी दाढ़ी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, बियर्ड के साथ। तो दोस्तों मैं इसका पूरा सवाल का जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इस कारण से मैं आपको इस वीडियो को बना के लेकर के आया हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को जरूर दबाएँ, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के इस बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे हम जो भी रेलवे से जुड़ी हुई वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन को पूरी दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपने रेलवे की ग्रुप डी और लोको पायलट का नोटिफिकेशन तो पढ़ा ही होगा, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज मैं आपको जो नोटिफिकेशन में जो फोटो को लेके जो सारी जानकारी है वो मैं आपको पूरी देने वाला हूँ, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने फोटो में छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों छोटी सी भी गलती अगर आप कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नाम और तिथि ये भी अगर आप गलत कर देते हो बाय चांस, और अगर बैकग्राउंड भी गलत कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ही समझ लीजिए आप। अगर आप फोटो गलत डाल दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका रेलवे का जो करियर है जो अभी भर्ती निकली हुई है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों जैसा कि इस नोटिफिकेशन पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपने दाढ़ी रखी तो उसका भी क्लियरिफिकेशन आपको यहाँ हो जाएगा। जैसे कि रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करना, आप अपलोड फोटो टेप को सेलेक्ट करके, ये तो यहाँ पर उन्होंने फोटो को अपलोड करने का प्रोसेस बताया है। अब हम बात करते हैं रंगीन फोटोग्राफ का बैकग्राउंड, जो कि होना चाहिए सफ़ेद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर हल्के रंग का। अगर आपका ब्लू या रेड कलर में भी अगर बैकग्राउंड है फोटो का तो वो हल्के कलर में होना चाहिए, ना कि डार्क कलर में। हाईलाइट कलर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डार्क सा, बिल्कुल लाइट कलर होना चाहिए, बिल्कुल वाइट। जैसे कि ब्लू में भी हो तो लाइट कलर हो, रेड भी हो तो लाइट कलर होना चाहिए। और सेकेंड बात आती है फोटोग्राफ का साइज़ जो होना चाहिए 35 mm का और 45 mm का साइज़ होना चाहिए, जो कि नाम और तिथि के यानी कि नेम और डेट के साथ में होना चाहिए इंक्लूडेड। कई कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या फ़ोटो का साइज़ 35 और 45 होना चाहिए, नाम अलग होना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पर नाम और तिथि दोनों साथ में होनी चाहिए इस साइज़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी बात। अब बात करते हैं ये JPG और JPEG के अंदर फॉर्मेट में होने चाहिए, जो कि 100 DPI के अंदर स्कैन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फोटोग्राफ का साइज़, जो कि 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। रंगीन फोटोग्राफ किसी प्रोफेशनल स्टूडियो, ठीक है दोस्तों ये ध्यान रखना, जो कि 1 दिसंबर 2017 के बाद की खिंची होनी चाहिए फ़ोटो। ठीक है, और मोबाइल से खिंची हुई फोटोग्राफ नहीं चलेगी, बिल्कुल 100% नहीं चलेगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा साफ साफ कि ये मोबाइल से खिंची हुई फ़ोटो है। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्रोफेशनल फोटोग्राफ के वहाँ से जाके फोटो खिंचानी है आपको, ना कि मोबाइल से खींच करके आपको एडिटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इतनी छोटी सी बात को लेकर के अगर आपने सीरियस नहीं रहे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बाद में आप खुद पछताओगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप थोड़ा सा सीरियस रहें इस फॉर्म को भरने के लिए। सेकेंड बात करते हैं फोटो के उम्मीदवार का बिना किसी टोपी या सनग्लासेस का स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए, ना तो आपने कैप पहन रखी हो ना ही आपने कोई भी गॉगल सनग्लासेस लगा रखी हो। ठीक है दोस्तों, ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अगर आपकी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप चश्मा हटा करके ही आप फोटो खिंचाएं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। कैमरे में देखते हुए पूरे चेहरे के व्यू के साथ फोटोग्राफ का कम से कम 50% भाग चेहरे का कवर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका 50% जो है फेस दिखना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चेहरे के मुख फीचर सिर के बाल या किसी कपड़े या परछाई से ढके हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बहुत बात है, क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, माथा आंखें नाक और ठोड़ी स्पष्ट नज़र आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो यहाँ पर आपकी ठोड़ी नहीं दिखेगी, तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आप रेलवे को लेकर के सीरियस हैं, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों यार दाढ़ी तो फिर उग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दाढ़ी को तो आप हटा सकते हो ना। और प्लस आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेडिकल जब होगा रेलवे का, अगर आपका मेडिकल होगा उस वक्त आपको पूरी क्लीन शेव चाहिए,
पूरी क्लीन शेव चाहिए, साथ ही साथ आपके शरीर के हर हर प्राइवेट पार्ट्स पे भी बाल नहीं चाहिए मेडिकल के समय में। तो दोस्तों आप अपने रेलवे के करियर को लेकर के लिए सीरियस क्यों नहीं हो, क्योंकि आप मुझे कमेंट्स कर रहे हो दोस्तों कि सर हम दाढ़ी के साथ फ़ोटो चल जाएगी या बीएड के साथ में। तो दोस्तों बीएड हटा दीजिए, फॉर्म अभी आया है काफ़ी टाइम बाद में, रेलवे की भर्तियाँ आई हुई है, तो प्लीज़ आप सीरियस रहिए, हटा दीजिए ना यार, क्यों रखना आपको। अगर आपका सिलेक्शन इसी कारण से अगर अटक जाता है तो क्यों रखना इस चीज़ को, इतनी मेहनत तो कर ही रहे हो, क्या एक शेविंग बनाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते हो क्या दोस्तों। तो प्लीज़ यार हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर जॉइनिंग मिल जाती है, नौकरी लग जाती है, तब आप रख लीजिएगा, या फिर अभी फ़ोटो खिंचा लीजिए, कुछ टाइम बाद वापस रख सकते हो। जब भी आपका मेडिकल या कुछ होता है, कोई भी प्रोसेस आगे होता है, तब आप हटा लीजिएगा वापस, ठीक है। तो अगर आपको नौकरी चाहिए रेलवे की, तो आप प्लीज़ सीरियस रहिए दोस्तों। मैंने आप सभी के लिए स्पेशली इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो, क्योंकि रिजेक्ट होना फॉर्म का बहुत ही बड़ा इशू हो जाएगा आप लोगों के लिए, फिर आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि अब आपको अगला चांस पता नहीं कब मिलेगा रेलवे में। हो सकता है अगली बार आपको आप ओवर एज हो चुके हों, क्योंकि इस बार जो कंडीशन थी आपने देखी सामने। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, आगे और मैं आपको बता देता हूँ। यदि उम्मीदवार का को चश्मा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो फोटोग्राफ में शीशों पर कोई ग्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेक्स पहनते हैं, वाइट वाले जो ग्लासेस होते हैं, आपके नज़र के चश्मे जो होते हैं, अगर वो पहनते हैं, तो सामने उन चश्मों पे कोई चमक या फोकस नहीं होना चाहिए फ़ोटो के सामने, उसमें आपकी आंखें बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए चश्मों में। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई भी चमक वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना आप, वरना आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, 101% रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, फोटोग्राफ CBT PET दस्तावेज सत्यापन वाले दिन पर उम्मीदवारों की एकत्रित से मैच होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। आपका जो CBT एग्जाम होगा और PET एग्जाम होगा फिजिकल, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस दिन आपको वही फोटोग्राफ आपको दिखानी है जिस दिन आप वो फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं फोटो। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि अगर आपने इस बार फॉर्म अलग अपलोड कर दिया और आपने उसके फोटोग्राफ्स आपने संभाल के नहीं रखे, 10-12 जो भी आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि वो आपको आगे काम आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कम से कम 15 फोटोएँ सेलेक्ट करके रख लीजिएगा आपके पास में, वही की वही सेम फोटोज़, क्योंकि आपको इन फ्यूचर जो भी प्रोसेस होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम होगा या फिजिकल टेस्ट होगा, उस सभी में आपको वो फोटोग्राफ लानी है साथ में। ठीक है दोस्तों, तो वो संभाल के जरूर रखिएगा। अगर आपने दूसरी फोटो दिखा दी तो आपको सीधा सीधा मना कर देंगे और आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर, विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर साफ लिख रखा है, उपरोक्त बताए स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही दिव्यांग उम्मीदवार पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करना चाहिए, ना कि दिव्यांग प्रमाण पत्र में उपयुक्त पूरे शरीर का फोटोग्राफ। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो भी दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए स्पेशली है कि उनको भी पासपोर्ट साइज फोटो देना, ना कि पूरी फोटो देनी है अपनी। ठीक है दोस्तों, ये एक भी सवाल है कि दिव्यांगों के लिए फोटोग्राफ जो है वो कंप्लीट नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट साइज चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि एग्जाम के दौरान यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में 12 फोटो आपको रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आपको 12 फोटो जो है आपकी संभाल के रखनी है, जो कि आपको पूरे प्रोसेस के अंदर भविष्य में जो भी इस्तेमाल में भर्ती प्रक्रिया के दौरान जरूरत के लिए फोटोग्राफ की कम से कम 12 प्रतियां रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बताई हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थी इस भर्ती को लेकर के। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर जो है जो SC ST का जो डॉक्यूमेंट लगेगा, वो लगेगा सिर्फ SC ST का, जो कि आपको 50 से 100 KB के अंदर ही अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो आपके काम की इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी रेलवे की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती है, जो कि आपको इन फ्यूचर काम में आने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर आप छोटी सी गलती अगर आज कर देते हो, तो वो गलती आपको आपकी लाइफ जो है ख़राब कर देगी, रेलवे के करियर में आपको अड़चन डालेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक यू सो मच, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा दीजिए और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी रेलवे संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है रेलवे से जुड़ी हुई, जो भी होती है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम के सिलेबस भी मिल जाएंगे आपको, एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स जो भी होता है, एग्ज़ाम ऑनलाइन कैसे होगा इस बार रेलवे का, वो भी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें, यहाँ पर हम टोटल आपको गाइड कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।